सो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को कैसे आप पढ़ पाएँ बिना किसी दूसरा ऐप का यूज करके। मतलब कोई आपको अगर कोई व्हाट्सएप में कुछ मैसेज भेजा है और बाद में उसको डिलीट कर दिया है तो उसको आप कैसे पढ़ पाएँ, ये आज हम जानेंगे। इससे पहले मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो सबसे जो पहला स्टेप है, हमको सेटिंग्स पे जाना है। इसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ मेरा देखिए नोटिफिकेशन स्टेटस बार है, आपके मोबाइल में खाली नोटिफिकेशन भी हो सकता है, इस पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ मोर सेटिंग्स है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब सबसे नीचे देखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, इसको हम ऑन कर देंगे। ये देखिए ऑन हो गया, अब पूरा बैक कर देना है। इसके बाद चलिए मैं अपना, मेरे मोबाइल में दो व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप को मैं भेजता हूँ, हाय करके भेजता हूँ। ये देखिए हाय भेज दिया और इसको मैं चलिए डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन। ये देखिए मैसेज डिलीट हो गया, लेकिन हमको ये देखिए अभी मिल जाएगा। फिर हम सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर वही नोटिफिकेशन पे जाएंगे। अब हमको फिर वही मोर सेटिंग्स पे जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। ये देखिए ऊपर अनुभव हाय करके लिखा है, मतलब वो जो डिलीटेड मैसेज था ये देखिए इधर आ रहा है। इसको अगर हम क्लिक कर देंगे तो फिर वही देखिए डिलीटेड मैसेज इधर आ गया। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप डिलीटेड मैसेज को व्हाट्सएप पे पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।